हेलो दोस्तों, आज हमारे यहाँ पर आकाश बायजू का एग्जाम होने वाला है। एंड दोस्तों, जो एग्जाम है वो है ISCST एग्जाम, यानी कि आकाश इंस्टेंट एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट। एंड दोस्तों, जो ये एग्जामिनेशन है वो है फॉर क्लास 11th, वैसे बच्चे जो कि अभी क्लास 11th में एडमिशन लेंगे, यानी कि अभी फिलहाल क्लास 10th से 11th में मूव किए होंगे। एंड स्ट्रीम का बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर है इंजीनियरिंग। दोस्तों, मेडिकल स्ट्रीम का ऑलरेडी वीडियो बन चुका है एंड अपलोडेड हो चुका है, तो आप लोग अगर नहीं देखे वो वीडियो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, मैं वहां पर लिंक दे चुका हूँ। एंड अभी हम लोग फिलहाल स्टार्ट करते हैं लाइव टेस्ट दोस्तों आप लोग के सामने, क्लास 11th इंजीनियरिंग। एंड यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों टेस्ट प्लेयर स्टार्ट हो रहा है। एंड सबसे पहले तो यहाँ पर दोस्तों जनरल इंस्ट्रक्शन, एंड यहाँ से आप लोग लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो, इंग्लिश या हिंदी। जो दोस्तों यहाँ पर ये बेनिफिट है इंग्लिश या हिंदी का, ये सिर्फ ऑनलाइन मोड में मिल रहा है, यानी कि अगर आप लोग सेम एग्जामिनेशन को ऑफलाइन देते तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आप लोग का जो पेपर मोड होता वो इंग्लिश होता, लेकिन यहाँ पर आप लोग को हिंदी भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों अभी हम लोग का जो पेज है वो इंग्लिश पर स्विच है, एंड अगर हम लोग हिंदी करते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी में हमारा इंस्ट्रक्शन आ गया है। एंड अभी हम लोग कर लेते हैं इंग्लिश, एंड देख सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन। जो आप लोग का एग्जाम है दोस्तों 60 मिनट का होगा, टोटल 45 क्वेश्चन होगा, एंड मैक्सिमम मार्क्स का बात करें तो 180 टोटल। दोस्तों यहाँ पर 3 पार्ट्स होगा, पार्ट ए में होगा फिजिक्स, पार्ट सेकंड पार्ट में होगा केमिस्ट्री, थर्ड पार्ट में होगा मैथमेटिक्स। एंड हर एक क्वेश्चन यहाँ पर +4 मार्क्स कैरी करता है, एंड यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी दोस्तों यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ सकते हो, एंड इसके बाद यहाँ से आप लोग स्टार्ट टेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुका है, एंड फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फिजिक्स से, एंड ये हो गया क्वेश्चन, एंड इसके नीचे दोस्तों ये हो गया ऑप्शंस। एंड यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हमारा यहाँ पर टाइमर चल रहा है अभी भी। दोस्तों आप लोग अगर मतलब कभी भी आप लोग को अगर मन करे कि इंग्लिश नहीं पता चल रहा है, मतलब इंग्लिश का लैंग्वेज आप लोग को समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग हिंदी टैब यूज कर सकते हो। एंड अभी इंग्लिश पर ही दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन, एंड फिजिक्स का सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों ये हो गया ऑप्शन ए बी सी एंड डी। एंड क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर दोस्तों आप लोग हर एक क्वेश्चन को इंडिविजुअली दोस्तों यहाँ पर आप लोग रिव्यू के लिए भी मार्क कर सकते हो, यानी कि आप लोग को यहाँ पर ऑप्शंस में कुछ डाउट है तो आप लोग रिव्यू कर सकते हो। एंड फाइनली जब आप लोग का टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो आप लोग इन क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को फिर से वापस यहाँ पर विजिट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8 का ये हो गया ऑप्शन। एंड नेक्स्ट वन 9, 10 दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को रिव्यू के लिए भेजे हुए थे। एंड यहाँ पर अगर 10 को मैं यहाँ पर ऑप्शन करूँ तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ब्लू से हाईलाइट हो जा रहा है। एंड नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 14 का दोस्तों ये हो गया ऑप्शन। एंड यहाँ पर आई बटन का यूज करके दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंगल आंसर चॉइस है, यानी कि मल्टीपल आंसर चॉइस नहीं है, कोई भी एक ही ऑप्शन आप लोग का सही होगा। एंड अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि हमारा फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है। एंड इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो देख सकते हैं अभी जो टैब है वो
फिजिक्स पर है। एंड नेक्स्ट जैसे ही करूंगा मैं यहाँ पर केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से आप लोग का केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है। एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20। और दोस्तों एक बात, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो एंड आप लोग फ्यूचर में कभी भी इस एग्जाम को देते हो, तो जो दोस्तों ये क्वेश्चन आ रहा है एक तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। एंड हो सकता है कि सेम क्वेश्चन एक दो मैच कर जाए आप लोग के एग्जामिनेशन में। एंड हो गया ये क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 22 दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये ऑप्शन। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड यहाँ पर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 एज लास्ट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री। एंड इसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ से मैथमेटिक्स स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों मैथमेटिक्स में टोटल 15 क्वेश्चंस आप लोग को मिलेंगे। एंड सपोज करिए कि मैं 32 को मार्क कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 7% कंप्लीटेड, यानी कि 7% में बना चुका हूँ। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35, 36, ये हो गया 37, 37 का दोस्तों ये हो गया ऑप्शन। एंड 38, 39, नेक्स्ट वन 40, 41, 42, 43, 44 एंड लास्ट वन 45। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा टेस्ट है आकाश बायजू का ISEST टेस्ट एंड 2023, दोस्तों यहाँ पर हमारा ये टेस्ट कंप्लीट होता है। एंड देख सकते हैं मैं यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस को मार्क नहीं किया था, फिर भी दोस्तों मैं आप लोग के सामने यहाँ पर इन टेस्ट कर रहा हूँ। या तो आप लोग इन टेस्ट कर सकते हो एंड यहाँ पर सबमिट। उससे पहले दोस्तों एक बात, अगर आप लोग को क्वेश्चन नंबर 31 या कोई भी क्वेश्चन पर डायरेक्ट विजिट करना है, तो आप लोग दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 33 को क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 आ गया। एंड अगर फिजिक्स में जाना है तो फिजिक्स दोस्तों यहाँ से क्लिक करके क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो थर्ड पर जा सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम लोग अभी चल जाते हैं मैथमेटिक्स का लास्ट क्वेश्चन पर। एंड यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, तो सबमिट हम लोग करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं टोटल 45 क्वेश्चंस था, जिसमें से हम लोग सिर्फ 4 क्वेश्चन को मतलब टिक किए थे। एंड मार्क फॉर रिव्यू, एक आप लोग अभी भी मार्क फॉर रिव्यू को विजिट कर सकते हो। एंड यहाँ पर सबमिट हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट है, देख सकते हैं सिर्फ दोस्तों हम लोग 45 में से 4 क्वेश्चन को टिक किए थे, फिर भी हम मुझे यहाँ पर 15% वेवियर मिल रहा है। तो आई थिंक अगर आप लोग टिक नहीं भी करोगे फिर भी यहाँ पर वेवियर मिलेगा ही, तो वो अलग बात है। लेकिन टेस्ट आप लोग को देना चाहिए एंड फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो मैं किसी एक इंडिविजुअल क्लास का ऐसा ही वीडियो बनाऊं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं रेडी हूँ वीडियो बनाने के लिए। एंड तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।